sometime you won't be able to see anything. You won't be able to see anything for some time, but after a few seconds, again you are able to see. Again, you will be able to see. After a few seconds, you will be able to see. Now, what exactly this thing has happened? What exactly this thing has happened? When you're sitting in a dark room, remember, the light which is perceived by rods reduces. A light which is perceived by the rods reduces. So, to see things better, your sensitivity of the rods increases. सेंसिटिव होता है कि ना? नहीं चालू है इकोन उसका. सेंसिटिव ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, मतलब रॉड्स बिकम मोर सेंसिटिव. सो व्हेन यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम बिकॉज द लाइट इज लेस, टू बी एबल टू सी प्रॉपरली रॉड्स बिकम्स मोर सेंसिटिव. मतलब रॉड कम लाइट को भी अप्रिशिएट करने लगता है. एंड व्हेन समबडी स्विचेस ऑन द लाइट क्या होता है, वो सेंसिटिविटी ज्यादा होने के कारण यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपर्ली बिकॉज लाइट ज्यादा लगता है. लाइट ज्यादा लगता है फॉर फ्यू सेकेंड्स यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज द लाइट इज टू मच. देन वॉट हैपन्स, एज सून एज द लाइट इज इनफ, अगेन द सेंसिटिविटी रिड्यूसेस इन फ्यू सेकेंड्स एंड अगेन यू आर एबल टू सी इट. अगेन यू विल बी एबल टू सी इट. एग्जैक्टली अपोजिट थिंग हैपन्स. Let's say you are there in a bright light and suddenly there is darkness. For a few seconds, you're not able to see anything. For a few seconds, you won't be able to see anything. After a few seconds, again, even in a darkness, you are able to see. Again, for example, if you are there in a bright light, what happens? When you are there in a bright light, the sensitivity of the rods reduces क्योंकि लाइट अडिक्वेट है. वी डोंट वॉन्ट देम टू बी मोर सेंसिटिव. एंड सडनली कोई तो लाइट बंद करता है, डार्कनेस होता है. सो सेंसिटिविटी तो ऑलरेडी कम हुआ था. नाउ फॉर फ्यू सेकेंड्स सेंसिटिविटी कम है तो लाइट परसेप्शन नहीं दिखेगा अपने को. लाइट डार्कनेस में फॉर सम टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग. लेकिन कुछ टाइम के बाद अगेन यू आर एबल टू सी. व्हाट हैपेंस, अगेन सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स इंक्रीजेस व्हेन यू आर इन अ डायरेक्ट लाइट. अभी ये सेंसिटिविटी कम या तो ज्यादा होना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एडेप्टेशन, कॉल्ड एज द एडेप्टेशन. सो ब्राइट लाइट एंड डार्क लाइट. अगर हम लोग डार्क रूम में है, सडनली कोई तो लाइट ऑन करता है तो अपने को ग्लेयरिंग होता है. अगर हम लोग ब्राइट लाइट में हैं, अगर सडनली समबडी डार्क करते हैं तो अपने को कुछ नहीं दिखता फॉर फ्यू सेकेंड. अभी ये सब चीज़ क्यों होता है, बिकॉज रॉड्स हैज गॉट अ पिगमेंट कॉल्ड एज अ रोडोप्सिन, और उसमें जो केमिकल है रेटिनाल, वो लेस सेंसिटिव एंड मोर सेंसिटिव में कन्वर्ट होते रहता है. दैट इज वॉट इज ऑल ट्रांस रेटिनाल टू 11 सिस रेटिनाल. अगर जरूरत नहीं सेंसिटिविटी की तो कम सेंसिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जरूरत है तो ज्यादा सेंसिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये दोनों विल बी कॉल्ड एज लाइट एडेप्टेशन एज वेल एज अ डार्क एडेप्टेशन. एज वेल एज डार्क एडेप्टेशन मतलब डार्कनेस में जो एडेप्टेशन होता है उसको बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन. लाइट में जो एडेप्टेशन होता है उसको बोलते हैं लाइट एडेप्टेशन. इज सेम थिंग विच इज इंटर कन्वर्टेबल. और ये इंटर कन्वर्टेबल क्यों है, बिकॉज देर इज अ केमिकल कॉल्ड एज रेटिनाल, और ये रेटिना आता है विटामिन ए से, आता है विटामिन ए से. सो इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग विटामिन ए प्रॉपरली, ये पिगमेंट कम रहेगा, उसका सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, तो अपने को नाइट में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि नाइट में सेंसिटिविटी ज्यादा लगता है, बिकॉज नाइट में वी हैव अ डार्क लाइट. सो अगर विटामिन ए कंजम्पशन इज लेस देन दिस पिगमेंट इज नॉट सिंथेसाइज प्रॉपरली, तो रॉड्स का सेंसिटिविटी बढ़ नहीं सकता. जब रॉड्स का सेंसिटिविटी बढ़ेगा नहीं तो नाइट में नहीं दिखेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस. दैट इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज अ नाइट ब्लाइंडनेस.
तो बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप थिंग्स आर क्लियर इन दिस, लेट मी रिपीट दिस अगेन, क्योंकि हमेशा वाइवा में पूछते हैं, दे ऑलवेज आस्क दिस इन द वाइवा, व्हाट इज लाइट अडेप्ट और डार्क अडेप्टेशन, व्हाट इज अ लाइट अडेप्टेशन. When you are there in a dark room, suddenly somebody switches on the light. You are not able to see something because there is a glare in the eyes. क्योंकि जब भी डार्क रूम में रहते हो तभी सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स बढ़ा हुआ रहता है. अगर somebody लाइट देता है तो वो और सारा लाइट एब्जॉर्ब करने लगता है तो अपने को ग्लेयर आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोग देख पाते हैं बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स अगेन रिड्यूसेस. और यू आर देर इन अ वेरी ब्राइट लाइट, सडनली somebody स्विचेस ऑफ द लाइट, कुछ टाइम के लिए नहीं दिखता है लेकिन बाद में दिखने लगता है बिकॉज द डार्कनेस इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द रॉड्स. तो थोड़े टाइम के बाद अपने को कम लाइट में भी दिखने लगता है. ऑल दिस हैपेंस बिकॉज देर इज अ पिगमेंट इज देयर इन द रॉड्स, दैट इज वॉट इज अ रोडोप्सिन विच हैज गॉट अ केमिकल कॉल्ड एज एन रेटिनॉल विच कम्स फ्रॉम विटामिन ए, विच कम्स फ्रॉम विटामिन ए, एंड दिस विटामिन ए सप्लाइज दैट केमिकल टू द रॉड्स सो दैट यू आर एबल टू अडेप्ट टू ब्राइट लाइट और अडेप्ट टू अ डार्क लाइट, ब्राइट लाइट और अ डार्क लाइट. सो दिस इज वॉट बिकम्स अ समरी ऑफ dark as well as light adaptation. You can take a screenshot of this if it is possible.